हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गोटा लहसुन की सब्जी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है। और आज तक आपने सिर्फ गोटा लहसुन को चिकन और मटन में डाल के खाया होगा, लेकिन इस तरीके से एक बार इसकी सब्जी बना के खा लेंगे तो यकीन मानिए इसका जो स्वाद है वो आपके जुबा से कभी नहीं उतरेगा। तो आप इस तरीके से एक बार गोटा लहसुन की सब्जी जरूर ट्राई करके देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गोटा लहसुन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 7 गोटा लहसुन लिया है। आप जितने लोग हों उतने हिसाब से आप एक एक या दो दो करके लहसुन ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले लहसुन को साफ करेंगे, तो इसके लिए हम लहसुन का जो पीछे का पार्ट होता है उसे इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसका ऊपर का जो डंडल होता है उसे भी इस तरह से कट करके निकाल लेंगे, और इसका जो एक दो लेयर होता है लहसुन के ऊपर उसे भी इस तरह से खोल लेंगे। इसी तरह सारे लहसुन को साफ कर लेंगे। देखिए मैंने उसी तरह से सारे लहसुन को साफ कर लिया है। अब इसे हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन को डाल देंगे। अब हम लहसुन में थोड़ा सा नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम लहसुन को मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए लहसुन को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, और लहसुन का जो हल्का हल्का पार्ट से इस तरह से खुलने लग गया, यानी कि हमारा जो लहसुन है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा साबुत जीरा, 2 सूखे लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता और 1 पिंच हींग ऐड करेंगे, और इसे हम हल्का सा चटकने देंगे। देखिए ये हल्का सा चटक चुका है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज का एकदम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, और हम प्याज को मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसे हम मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है, और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर को मिक्सर के जार में डाल के पीस लिया था। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे जब तक कि इसे तेल ना अलग हो जाए। देखिए इसे तेल अलग हो चुका है, यानी कि टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच सत्तू ऐड करेंगे, जिससे कि ग्रेवी में गाढ़ापन आएगा। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे कि मसाला को फ्राई करने में इजी हो जाए। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम मसाला को कवर करके मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे जब तक कि मसाला से तेल ना अलग हो जाए। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ गोटा लहसुन को ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम गोटा लहसुन को मसालों के साथ कवर करके मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए लहसुन को मसालों के साथ फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे,
यहाँ पे मैं एक छोटा कप पानी ऐड कर रही हूँ, ये लगभग 100 ml पानी है। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके लो फ्लेम में 7-8 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 7-8 मिनट हो चुका है और हमारा जो लहसुन वो भी अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया गोटा लहसुन की सब्जी बनके रेडी है। अब इसमें हम लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा बहुत ही लजीज गोटा लहसुन की सब्जी बनके रेडी है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको गर्मा गर्म गोटा लहसुन की सब्जी को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया गोटा लहसुन की सब्जी बनके रेडी है और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज है। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खास करके इसे पराठा के साथ खाएं, पराठा के साथ ही खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो आप इस तरीके से एक बार गोटा लहसुन की सब्जी घर पर जरूर ट्राई करके देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इस तरीके से एक बार गोटा लहसुन की सब्जी बना के खा लेंगे तो यकीन मानिए आपको इसके आगे चिकन मटन सब फेल लगने लगेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।